मुगलों की ज्यादातर कहानियों में आगरा और दिल्ली केंद्र में रहा है, लेकिन इसकी सल्तनत के इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से रहा है। मिर्जापुर में कैमूर की पहाड़ियों से नजर आने वाले चिनार के किले का कनेक्शन मुगल इतिहास से रहा है। कनेक्शन भी ऐसा जिसने मुगल इतिहास का रुख तक मोड़ दिया। यह वही किला है जिसके कारण हुमायूं को मुगल सल्तनत खोनी पड़ी थी। ये कहानी शुरू होती है 1536 से। इस किले पर शेर शाह सूरी का आधिपत्य था। बाबर की मौत के बाद सूरी ने इस पर कब्जा कर लिया था। एक समय ऐसा भी आया जब हुमायूं ने अपनी विरासत को वापस हासिल करने की इच्छा जताई। यही हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी। मौत से पहले बाबर ने अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया था। दिल्ली और आगरा हुमायूं को दिया गया। काबुल और कांधार भाई कामरान को सौंपा तो संबल और हिंदाल की जिम्मेदारी अस्करी को दे दी। बाबर के मरने के बाद अफगानी की नजरें बाबर की सल्तनत पर थी, लेकिन हुमायूं चाहते थे कि कालिंजर को जीतने के बाद बंगाल पर कब्जा करे। उनके इस लक्ष्य के बीच में था चिनार, वही चिनार जिस पर शेरशाह का कब्जा था, लेकिन उस दौर में वो बंगाल से शासन कर रहा था। शेरशाह कुशल शासक था जिसको युद्ध जीतना बखूबी आता था। हुमायूं को ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि कैसे शेरशाह ने जब पिता बाबर के किले पर कब्जा किया तो सेना का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा था। हिम्मत दिखाते हुए 1536 में आखिरकार हुमायूं ने चिनारगढ़ किले पर कब्जा करने की योजना बनाई। शेरशाह के बंगाल में होने का फायदा हुमायूं को मिला। नतीजा, हुमायूं चिनार के किले पर कब्जा करने में सफल रहे। इसके बाद शेरशाह सूरी से कहा कि वो बंगाल को छोड़कर चला जाए। उस समय शेरशाह सूरी ने वक्त की नजाकत को समझते हुए हुमायूं की बात मान तो ली, लेकिन मुगलों के कमजोर वक्त की तलाश करने लगा। इसके बाद चौसा के युद्ध में शेरशाह अचानक हुमायूं के सामने चट्टान बनकर सामने खड़ा हो गया। जंग में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को ऐसा हराया कि उसे हिंदुस्तान तक छोड़ना पड़ा। शेरशाह ने पहले दिल्ली पर कब्जा किया, फिर चिनार के किले पर। लंबे समय तक ये किला शेरशाह और उसके फिर बेटे इस्लाम शाह के पास रहा, लेकिन मुगलों में फिर एक बार इसे हासिल करने की उम्मीद बढ़ी और 1575 में अकबर ने इसे हासिल किया और वापस मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया। इस किले का इतिहास बताता है कि दिल्ली से बंगाल तक राज करने के लिए चिनार से होकर गुजरना पड़ता था। यही कारण था कि इसे हासिल करना कितना अहम था। तब कोई भी राजा इस पर अपनी पकड़ को कमजोर नहीं होने देना चाहता था। दोस्तों, कथा कहानी किस्से के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।